हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक न्यू वीडियो लक्ष्मी ब्लॉगर। दोस्तों कैसे हैं आप? दोस्तों भगवान करे सभी सुरक्षित हों, स्वस्थ हों। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर कर रही हूँ। उससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों से कुछ बोलना चाहूंगी। जैसे दोस्तों काफी फ्रेंड वीडियो पे लिख जाते हैं कि फुल वॉच कर दिया। दोस्तों फुल वॉच नहीं लिखना है, क्योंकि जिसकी वीडियो होती है उसको पता चल जाता है और YT स्टूडियो में सबको पता चल जाता है कि किसने मेरी वीडियो देखी और किसने नहीं देखी। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मुंडन की वीडियो। हमारे उत्तराखंड में एक बेटा जब 3 साल का हो जाता है उसका मुंडन करते हैं, तो बेटियों का भी करते हैं, लेकिन बेटा का जरूरी है कि उसका मुंडन करना ही करना है। बेटियों का उतना जरूरी नहीं होता है, 3 साल या 5 साल में बेटों का मुंडन करते हैं। तो आज मेरी वही वीडियो है। यदि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना। चैनल पे न्यू आए हो तो सब्सक्राइब करना, बेल घंटी ऑल क्लिक करना, ताकि मेरी हर वीडियो आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो दोस्तों फुल वॉच नहीं बोलना है वीडियो पे और पता चल जाता है। और आप लोग यदि आगे के 3 मिनट भी देखें, चाहे वो उस उनका भी फायदा मिलता है हर यूट्यूबर को। यदि आपने 3 मिनट भी देख दिया और एक ऐड देख दिया तो उसका भी फायदा मिलता है। फुल वॉच नहीं भी किया तो 3 मिनट जो देख देते हैं उसका पता चल जाता है कि इस इंसान ने 3 मिनट वीडियो देख दी। तो चलो चलते हैं और वीडियो को देखते हैं कि आगे मेरी वीडियो में क्या है। दोस्तों यहाँ पे मुंडन हो रहा है, चूड़ा करम बोलते हैं कहीं कहीं। यहाँ पे पूजा होती है, रात को कथा होती है और दिन में भी पूजा होती है। जिस बच्चे का मुंडन होता है उसके मम्मी पापा के हाथों से और उसके साथ वहाँ पे पूजा होती है। उसके बाद तब मतलब उसके बाल कटते हैं, उन बालों को मतलब अच्छे से पूजा होती है बालों की। यहाँ पे जो भी मतलब कि घर में मेहमान आ रखे थे तो उनकी वो सब यहाँ पे फोटो खींच रहे हैं। एक मौका होता है ना जब कभी इकट्ठा होते हैं सारे रिश्तेदार, तो मौका होता है फोटो खींचने का। यहाँ पे आप लोग एंजॉय कीजिए। यहाँ पे बच्चे को नहलाने की भी तैयारी हो रही है और इधर बच्चे के बाल कट रहे हैं। तो यहाँ पे पंडित जी सब चीज रख रहे हैं वहाँ पे, जिस तरह दूल्हे के लिए होता है ना सारी चीजें, उसी तरह यहाँ पे इंतजाम किया जाता है। ताने की मतलब तामे की गगरी या तोला बोलते हैं हमारे यहाँ, उसको रखते हैं और परात रखते हैं। सारी चीजें जैसे भी दूल्हे के लिए करते हैं सेम वैसे होता है। यहाँ पे बच्चे के बाल आप लोग देख रहे होंगे जो पीला पीला बंधा हुआ है, उसमें 1-1 रुपये के सिक्के और वो सुपारी होती है, उनको बांधा जाता है। रात को जब कथा होती है उस समय एक एक करके उनको बांधा जाता है। आप लोग देख रहे होंगे नाले से बच्चे के बाल में बांध रखे हैं। यहाँ पे कैमरा मैन भी कैमरा मतलब की वीडियो बना रहे हैं और बच्चे के बाल काटते हैं। आजकल बच्चे ना बिना मोबाइल देखे हुए कुछ भी नहीं करने देते हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे छोटा सा बच्चा है 3 साल का। यहाँ पे
बच्चे को नहलाने के लिए बना रखा। मैंने आवाज म्यूट नहीं की ताकि आप लोगों को नेचुरल लगे। बच्चे के बाल कटते हैं, उसके बाद उनको एक अच्छी जगह पे ले जाके रखते हैं, ऐसे नहीं फेंकते हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे बच्चा भी छोटा है। उसके बाल खाने की थाली में रखा गया क्योंकि ऐसे नहीं फेंकते हैं, उनको अच्छी जगह पे लेके रख देंगे। उसके बाद बच्चे को बाने दिए जाएंगे जिस तरह दूल्हे को दिए जाते हैं, फिर उसको नहलाया जाएगा। बाल बन चुके हैं, कितना लाल प्यार होता है उस समय, बहुत छोटा होता है ना बच्चा। इसके बाद इसके बाने दिए जाएंगे, उसकी वीडियो नहीं बनी। और मैंने आया उसको बाथरूम में गया था, अब नहा के आ गया। नहाने के बाद उसको पीले कपड़े और धोती पहनाई जाती है, आप लोग देख रहे होंगे। उसको दूल्हे की तरह सजाया जाता है। उसके बाद उसकी आरती टीका आरती बिल्कुल दूल्हे की तरह बनाया जाता है। और जो भी जो चीज लाता है भूख लगी है गिफ्ट करते हैं। जिसकी जितनी माला होती है मतलब नाना नानी और मामा चांदी की सोने की चीजें गिफ्ट करते हैं, कपड़े और ये रुपयों की माला। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे रुपयों की माला डाल दी, पंडित जी पूजा कर रहे हैं। और आपने मम्मी को देखा होगा जो जन्मदिन पहना था, वो मम्मी है बच्चे की, ये मम्मी है बच्चे की। कितना सुंदर लग रहा है बच्चा, बिल्कुल बहुत ही सुंदर लग रहा है। दोस्तों इधर ये मांगल गीत गाए जाते हैं जब मतलब हमारे यहाँ मुंडन में शादी में जो भी अच्छा शुभ कार्य होता है उसमें गांव की या मतलब इधर उधर से जो मांगल गीत गाते हैं उनको लेके आते हैं। जो महिला मंगल दल भी होता है इन लोगों का, तो गांव में इस तरह होते हैं तो इन लोगों को ज़रूर बुलाते हैं, ये शुभ होता है। और ये मांगल गीत गाने के लिए हमारे यहाँ शादी ब्याह मुंडन और कोई भी शुभ काम हो ना गांव में तो इनको बुलाते हैं। और यदि अपने गांव में ना हो तो दूसरे के गांव से इन लोगों को बुलाते हैं मांगल गीत गाने के लिए। तो आप लोगों को कैसी लगी आज की वीडियो ज़रूर मुझे कमेंट करना। तो आज की वीडियो मेरी मुंडन की ही थी और बहुत अच्छी से मैंने बनाया था। आप लोगों को यदि अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना, चैनल पर न्यू आए हो तो। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर न्यू आए हो तो सब्सक्राइब करना, बेल घंटी प्रेस करना ताकि मेरी हर वीडियो आपके पास पहुंच जाए। बाय।